इसके लिए मैंने 1 गिलास बासमती चावल लिए हैं, लगभग आधा किलो चने जिसे छोलिया भी कहते हैं, 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर इन्हें भी मैंने छील कर काट लिया है, 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 2 तेज पत्ते, 5-6 साबुत काली मिर्चें, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 मोटी इलायची और 4 लौंग। अब मैं सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धोकर 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दूंगी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ये कड़छी घी डालूंगी। घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी। और इसे अच्छी तरह तड़कने दूंगी। अब मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी और इसे अच्छी तरह भूनूंगी। अब इसमें प्याज, इसे थोड़ा सुनहरी होने तक भूनूंगी। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। सभी चीजें अच्छी तरह भून चुकी है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। 2 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच काली मिर्च अच्छी तरह हिलाकर अब मैं इसमें चने डालूंगी। मैं पुलाव में ज्यादा सब्जियों का प्रयोग करती हूँ। फ्लेम को मैं लो कर दूंगी और इसे 4-5 मिनट तक पकाऊंगी। चनों को पकते हुए लगभग 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। और इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी। अब इसे चेक कर लेते हैं। आप सब्जियों को बीच बीच में हिलाते जरूर रहिए, वरना ये बर्तन से चिपक जाती हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, उस हिसाब से मैं 2 गुना पानी डाल रही हूँ, यानी कि 2 गिलास। अब इसे ढककर उबलने देंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। पानी अच्छी तरह उबलने लग गया है। अब चावलों का एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसमें डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह हिलाकर ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर पानी सूखने तक पकाएंगे। इसे चेक कर लेते हैं।
थोड़ा सा भी पानी बाकी है इसलिए अभी इसको एक मिनट तक और ढककर पकाएंगे। चावलों को पकते हुए लगभग एक मिनट और हो चुका है। चावल चेक करते हैं, चावल लगभग 95% तक पक चुके हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। लीजिए, गर्मा गर्म हरे चने का पुलाव बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।